नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, दोस्तों अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो, दोस्तों आप मान लीजिए अगर आपके पास दो तीन अकाउंट है पबजी मोबाइल का और आप चाहते हो कि भाई मैं पबजी मोबाइल को दोस्तों डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको जो है डिलीट करना नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग किस तरीके से करोगे पबजी मोबाइल को परमानेंटली डिलीट? अगर आप लोगों ने फेसबुक से अगर इस अकाउंट को बनाया है पबजी अकाउंट को, तो उसको किस तरीके से डिलीट करना है इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में अगर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों ने गूगल अकाउंट और या ट्विटर अकाउंट से अगर आप लोगों ने पबजी मोबाइल को बनाया हुआ है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर दोस्तों अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको ट्विटर और गूगल अकाउंट से दोस्तों पबजी मोबाइल कैसे रिमूव करोगे उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, यानी कि परमानेंटली डिलीट कैसे करोगे। आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों ने फेसबुक से लिंक किया हुआ है तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर फेसबुक से लिंक किया जाता है पबजी मोबाइल को, और किस तरह से डिलीट करेंगे परमानेंटली इसी के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम है सुबीर, आप देख रहे टेक्निकल यूट्यूब चैनल, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अगर आप लोगों के मोबाइल में जो पबजी है उस पबजी अकाउंट से जो भी आपने फेसबुक अकाउंट या कुछ भी अकाउंट को अगर लॉगिन करके रखा है, तो इसे आप सबसे पहले लॉग आउट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल से अगर आपने फेसबुक से किया है तो ज़्यादातर दोस्तों लोग फेसबुक से ही लॉगिन वगैरह करते हैं, तो मैं आपको फेसबुक से बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या, आपको फेसबुक अकाउंट पर चले जाना है और आपको जो अपना अकाउंट को परमानेंटली किस तरीके से डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आप फेसबुक अकाउंट पर आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको नीचे आ जाना है सेटिंग्स पे, तो गाइज मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। जैसे सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों सिंपल सा कुछ करना नहीं है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहीं पे ऐप्स एंड वेबसाइट, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ लोडिंग वगैरह लेगा, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद आपको करना कुछ नहीं, आपको ऊपर ही ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉग इन विथ फेसबुक, तो आपको इसके ऊपर सामने जो एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको दूसरा पेज ओपन होगा, और यहाँ पे दोस्तों आपने जो जो भी एप्लीकेशन लिंक किया होगा फेसबुक से, वो सारी एप्लीकेशन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है पबजी मोबाइल, तो अगर आप चाहते हो कि इसको हम दोस्तों डिलीट कर दें परमानेंटली, तो आपको करना क्या है, या तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, या तो यहाँ पे एक गोल सा आइकन दिया हुआ इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ के रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर सकते हो, या तो आप एडिट के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो। एडिट के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली दोस्तों डिलीट हो जाएगा। तो गाइज मैं यहाँ पे जो है अपना अकाउंट पबजी अकाउंट को तो डिलीट नहीं करने वाला हूँ, मैं दूसरा कोई सा भी दोस्तों ऐप दोस्तों मैं आपको यहाँ से डिलीट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जैसा दोस्तों मैं दूसरा एप्लीकेशन को डिलीट करूंगा वैसे ही दोस्तों आप पबजी अकाउंट को भी डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एडोब फोटोशॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको दोस्तों यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे से आ जाएगा रिमूव का ऑप्शन, तो इसके ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक, तो यहाँ पे आ जाएगा रिमूव, तो रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है वो पूरा प्रोसेस आपको वैसा ही करना है और कुछ नहीं करना है, और आपका दोस्तों जो है हो जाएगा रिमूव यहाँ पे देख सकते हो। और आपने जो जो भी एप्लीकेशन को दोस्तों आपने लिंक किया होगा ना फेसबुक से, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और एक्सपायर्ड में जाने के बाद जो एप्लीकेशन आपने यूज़ नहीं करते एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो उनको भी दोस्तों यहाँ से आप जो है रिमूव कर सकते हो, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे वो वाली एप्लीकेशन आ जाएगी जिनको दोस्तों आपने रिमूव किया है। तो ये दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों जी सारी चीजें हट जाएंगी जो आपने रिमूव किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पबजी मोबाइल को भी दोस्तों यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से दोस्तों हमने पबजी मोबाइल को दोस्तों रिमूव किया है परमानेंटली। दोस्तों मैंने वहाँ पे दिखाया तो नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पबजी मोबाइल दोस्तों मैं भी खेलता हूँ, इसलिए दोस्तों उस अकाउंट को दोस्तों मैंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक ही अकाउंट था। दोस्तों जैसे मैंने दूसरा एप्लीकेशन को रिमूव करके दिखाया है, उसी तरीके से दोस्तों आपको करना है, पूरा प्रोसेस वही है, आपको कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, और आपको जो पबजी मोबाइल अकाउंट है वो दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ट्विटर अकाउंट और गूगल अकाउंट से दोस्तों आप पबजी मोबाइल को कैसे रिमूव करोगे, तो आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो यही थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो पुराने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।